पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब पुलिस ही आरोपी के कटघरे में खड़ी हो तो भला किससे इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। महोबा के चर्चित विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड के 29 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मामले में अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मामले में आरोपी तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार सहित देवेंद्र शुक्ला, अरुण यादव की अभी तक गिरफ्तारी न होने से परिवार जांच एजेंसियों से संतुष्ट नहीं है। इंद्रकांत के परिजनों ने प्रेस वार्ता में एसआईटी सहित जांच कर रही सभी एजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट देखिए। महोबा के विस्फोटक व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी मर्डर मिस्ट्री का एसआईटी ने खुलासा कर दिया, लेकिन व्यापारी का परिवार अभी भी जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मृतक व्यापारी के भाई विजय कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कहा कि अब तक की हुई जांच से हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। एसआईटी जांच टीम में शामिल डीआईजी सलभ माथुर के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम गठित कर जांच होनी चाहिए, तभी न्याय हो सकता है। वहीं मृतक के भाई का ये भी कहना है कि पूर्व एसपी की गिरफ्तारी न करते हुए पुलिस समय बर्बाद कर विभाग के कुछ लोगों को बचा रही है। परिजन ने ये भी बताया कि एसआईटी ने अपनी जांच में ये भी कहा है कि आईपीएस मणिलाल द्वारा एक यूट्यूब पोर्टल के माध्यम से जो जुआ खेलते वीडियो वायरल कराया गया था, परिजन ने कहा कि पुलिस अपने विभाग के लोगों को बचा रही। आज मेरे भाई इंद्रकांत त्रिपाठी को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए पूरे 29 दिन हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रयासों व आश्वासन के बावजूद स्थानीय पुलिस महकमा आरोपित मणिलाल पाटीदार, देवेंद्र शुक्ला व अरुण यादव आदि प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने में लगा है। सभी प्रशासनिक अधिकारी अपराधियों को गिरफ्त में लाने की बात करते हैं, परंतु स्थानीय पुलिस महकमे में बैठे विभीषण अपराधियों को पहले ही इसकी सूचना दे उन्हें फरार कराकर आईपीएस व अन्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि कारोबारी इंद्रकांत 8 सितंबर को अपनी कार में लहूलुहान मिले थे, जिसके बाद कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। प्रेस वार्ता में मौजूद इंद्रकांत के बेटे ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कार्यवाही की मांग की है। 7 सितंबर को वायरल वीडियो में इंद्रकांत ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। वहीं परिजन की बातों से ये सामने आया है कि इंद्रकांत का परिवार अब तक हुई जांच से संतुष्ट नहीं है। मेरे पापा को 29 दिन हो गए हैं, उनको न्याय नहीं मिला है, तो उनको न्याय दीजिए। अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, मोदी अंकल और योगी अंकल उनको न्याय दीजिए। मामले में अधिकारी भले ही आगे विवेचना में और तथ्यों के स्पष्ट होने का हवाला दे रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये भी है कि संगीन मामले में पुलिस को रासफाश की इतनी जल्दी किन कारणों से थी। इंद्रकांत के परिजन के गले भी पुलिस की खुदकुशी की ओर इशारा करती थ्योरी उतर नहीं रही है, और परिवार अब तक की हुई कार्यवाही से भी संतुष्ट नहीं है। अब देखना ये होगा कि हत्या और आत्महत्या में उलझी हुई इस कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आता है। मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी मामले को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी और एडीजी ने खुलासा किया, और उसमें 302 से 306 में उस मामले को बदला गया, और कहीं ना कहीं एसआईटी ने उसमें कहा कि जो निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार हैं उनके इशारे पर जो प्रताड़ित किया गया इंद्रकांत त्रिपाठी को, और उनका एक जुआ खेलते एक पुराना कोई वीडियो एसपी के इशारे पे वायरल किया गया था, उसी से वो मानसिक तनाव में पहले से थे और अवसाद से ग्रस्त होकर जो एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन कहीं ना अभी तक मणिलाल पाटीदार पकड़े गए
और ना अन्य लोग जो जिनका नाम आया था कि जिन्होंने एसपी के सारे पर जो वीडियो वायरल किया था कि यूट्यूब पर, ना उनका पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा किया है। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामलों में लगातार पुलिस लीपापोती करने में जुटी है। और आज हम खड़े हैं मृतक इनकान त्रिपाठी के घर पर और उनके भाई से जानते हैं कि आखिरकार वो एसआईटी की जांच से कितने संतुष्ट हैं और क्या उन लोगों पर, जिन लोगों को पुलिस या और प्रशासन द्वारा बचाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार त्रिपाठी है जी। मैं कबरई महोबा का रहने वाला हूँ। मैं इंद्रकांत त्रिपाठी का बड़ा भाई हूँ। ये बताइए, जो एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी उसमें बताया गया कि आत्महत्या की गई है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है या कई लोगों, तो उसमें क्या कितने लोग अभी पकड़े गए हैं और कौन कौन अभी बचे हैं? अभी तो सबसे दो लोगों की जानकारी है और कोई जानकारी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार, देवेंद्र शुक्ला एवं अरुण यादव और जो एसआईटी ने जिनको दोषी ठहराया है सभी को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इसमें साथ में ये मृत्यु के मामले के साथ, हत्या के मामले के साथ में वो उसका भ्रष्टाचार का भी मामला है, उसको भी साथ में लेके सबको अरेस्ट किया जाए। एसआईटी ने जिस अधिकारियों के नाम लिए हैं ये सब इन्वॉल्व है, सबको अरेस्ट किया जाए, ना कि तीन पे ही अभी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार एसआईटी की रिपोर्ट में अगर आत्महत्या दर्शाई गई है तो उस आत्महत्या के पीछे जो आत्महत्या के तक प्रेरित करने वाले हैं और प्रताड़ित करने वाले हैं और उनकी जो सामाजिक साख है उस पर बट्टा लगाने वाले हैं, वो लोग भी सलाखों के पीछे हों और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दिलीप वाजपेयी, लाइव टुडे न्यूज़।